गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें इसके विषय में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको स्कूल द्वारा जो ईमेल आईडी दिया गया है उसे गूगल मीट से या जीमेल में आपका ऐड करना होगा। अगर कर लिए हैं, ऐड कर लिए हैं तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आप क्रोम में जाएंगे। मैं इसको सर्कल करते रहा हूँ, क्रोम को देख लीजिए, ये क्रोम का लोगो है, इस पर टच करेंगे। जैसे क्रोम का पेज खुलेगा आपको इस प्रकार क्रोम का फर्स्ट पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें सबसे ऊपर में सर्च बार है, उसमें सर्च करेंगे, यानी कि उसमें स्कूल का साइट का नेम है उसको लिखेंगे। संत जेवियर्स स्कूल SBJ हिंदी HINDI हिंदी .edwin.com यहाँ पर दिया गया है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इसे सर्च करेंगे आप, इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैं भी दे दूँगा। इसमें डायरेक्ट क्लिक करके जैसे ही आप साइट को टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आएगा, संत जेवियर्स स्कूल हिंदी मीडियम साहेबगंज। इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया गया है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसके नीचे साइन इन विद गूगल दिया गया है। आपको साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। मैं सर्कल कर दिया हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ईमेल आईडी का लिस्ट खुल जाएगा। आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी ऐड किया गया है उसका लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर मेरा एक मोबाइल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सबका यहाँ पर ईमेल आईडी है, तो मैं किसी एक स्टूडेंट का इसमें क्लिक करूँगा। आपका अपना ईमेल आईडी स्कूल के द्वारा जो दिया गया है वो शो कर रहा होगा, तो मैं यहाँ एक स्टूडेंट का क्लिक करूँगा, जैसे विपासा एक का, इस पर क्लिक करेंगे। आपका नाम का ईमेल आईडी होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अलाउ कर देंगे, विपासा एक का पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपका पेज खुलकर सामने आएगा। तो मेनू, सबसे पहले मेनू ऑप्शन दिया गया है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ आपको। मेनू में क्लिक करेंगे आप, जैसे मेनू में क्लिक करेंगे एक और पेज खुलेगा, उसमें एकेडमिक में क्लिक करेंगे, अंडरलाइन कर दिया हूँ, एकेडमिक्स में क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक पेज और खुल कर आएगा जिसमें एकेडमिक्स रिपोर्ट, फी, प्लेसमेंट, इसके साथ साथ पेज को बाएं तरफ स्लाइड करेंगे। पेज को स्लाइड करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया गया है, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया गया है, उस पर आप टच करेंगे। जैसे ऑनलाइन में क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज और खुलेगा, सेलेक्ट एग्ज़ाम, सेलेक्ट एग्ज़ाम,
सिलेक्ट एग्ज़ाम लिखा हुआ उसमें टच करेंगे आप। यहाँ सेलेक्ट एग्ज़ाम दिया गया है, इसमें आप टच करेंगे। जैसे इसमें टच करेंगे तो आपके पास जिस डेट को जो सब्जेक्ट रहेगा जिस टाइमिंग पे रहेगा उससे 5 मिनट पहले आप में आपको यहाँ पर जाना है, तभी इसमें आपको शो करेगा। अभी क्योंकि किसी का भी एग्ज़ाम अभी क्रिएट नहीं किया गया है इसलिए इसमें अभी किसी का भी लिस्ट नहीं दिखा रहा है, आपको इसी में दिखाएगा। तो इसमें जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी का दिखाएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश दिखाएगा। तो जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके गो में क्लिक करेंगे, नीचे गो लिखा हुआ है जियो, उसमें क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप क्वेश्चन पेपर आपका स्क्रीन में आ जाएगा और वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा क्या आप एग्ज़ाम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें येस या ओके लिख देंगे। उतना लिखने के बाद आप क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 20 रहेगा और आपको समय 25 मिनट दिया जाएगा, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 200 क्वेश्चन को नेक्स्ट नेक्स्ट करके 20 क्वेश्चन को आपको देखना है और सेलेक्ट करना है और उसका उत्तर देना है। वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो स्कूल का इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वीडियो के माध्यम से दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा स्कूल के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देने के लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।